बावजूद भी मैंने स्कूल शुरू किया। जो भी लड़कियां हमारे स्कूल में एडमिशन लेती हैं उनमें ज्यादातर लड़कियां बहुत ही गरीब घर से आती हैं, तो ऐसा हो कि क्या होता है कि ज्यादातर लड़कियां एजुकेशन से वंचित रह जाती हैं। हमने स्कूल 2007 में शुरू किया, तो अभी हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक 75 से भी ज्यादा लड़कियां हमारे पास अभी एजुकेशन पा रहे हैं। तो लड़कियां पहले हमारे पास आती हैं तो बहुत ही उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता, जब बैठने उठने का तरीका भी मालूम नहीं रहता और सैनिटेशन कैसा मेंटेन करना वो भी उनको मालूम नहीं रहता। फिर कुछ लड़कियां हमारे पास ऐसे भी आए जिन्होंने हमारे पास से पास आउट करके अभी हायर एजुकेशन कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो जब ये स्कूल शुरू हुआ तो कठिनाइयां तो बहुत सी थी, कठिनाइयों के बावजूद भी हमने ये हमारा दृढ़ निश्चय था कि हम उसको कुछ बच्चों के लिए, हम उनके भविष्य के लिए कुछ कर सकें। तो यही मेरी प्रार्थना होगी सभी डोनर्स से हाथ जोड़ के कि हमारे को कंट्रीब्यूट करें।